मई 2014 में झूठ की बुनियाद पर और लागत जमा 50% की जुमलावाणी कर मोदी जी ने देश के अन्नदाता किसान का समर्थन तो हासिल कर लिया, परंतु 4 सालों में न्यूनतम समर्थन मूल्य की बिसात पर कभी खरे नहीं उतरे। सच तो यह है कि मोदी सरकार के 49 महीने में मोदी काल में किसान काल का ग्रास बना है। न समर्थन मूल्य मिला, न मेहनत की कीमत, न कर्ज से मुक्ति मिली, न अथक परिश्रम का सम्मान, न खाद कीटनाशक दवाई बिजली डीजल की कीमतें कम हुई और न ही हुआ फसल के बाजार भावों का इंतजाम। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस कि 2017-18 यानी पिछले साल की सिफारिश के मुताबिक भी आज की घोषित खरीफ फसलों को लागत जमा 50% के बराबर नहीं माना जा सकता। क्या यह किसान के साथ धोखा नहीं? मोदी सरकार जानबूझकर कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की 2018-19 की सिफारिश को सार्वजनिक नहीं कर रही। मोदी सरकार ने लागत निर्धारित करते समय 3 महत्वपूर्ण बातें तो पूरी तौर से दरकिनार कर दी। पहली, 16 मई 2014 को डीजल की कीमत 56.71 रुपये लीटर थी, जो आज 11 रुपये लीटर ज़्यादा हो गई और आज के दिन कीमत है 67.42 रुपये लीटर। पिछले 6 महीने में खाद की कीमतें बेलगाम होकर 24% बढ़ गई। मोदी जी, क्या आपने इसको कीमतें निर्धारित करते समय इस बात का ख्याल रखा? और यही हाल कीटनाशक दवाइयों बिजलियों और खेती के उपकरणों का भी है। और खेती पर टैक्स लगाने की जरूरत की, मोदी जी ने खाद पर 5% GST लगाया। मोदी जी ने ट्रैक्टर और खेती के उपकरणों पर 12% GST लगाया। ट्रैक्टर के टायर और ट्रांसमिशंस पर 18% GST लगाया। कीटनाशक दवाइयों पर 18% GST लगाया और कोल्ड स्टोरेज इक्विपमेंट पर भी 18% GST लगाया। और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो चालू की गई किसान के कल्याण के लिए, उसका नतीजा अब हमारे सामने। 14,828 यानी 15,000 करोड़ मुनाफा हुआ बीमा कंपनियों को और किसान को क्लेम मिला 5,600 करोड़। क्या यही किसान कल्याणकारी नीति है मोदी सरकार की? खेती का निर्यात वो तो गिर गया 9.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर मोदी जी के 4 साल में 49 महीने में, और खेती का आयात बढ़ गया 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर। इस देश के 62 करोड़ मजदूर और किसान अन्नदाताओं को वंचित किया है मोदी सरकार ने। वो सारी कीमतें कांग्रेस की जो अगली सरकार जनता के आशीर्वाद से बनेगी 2019 में, हम इसे दुरुस्त करके दिखाएंगे।